तो मुझे ऐसे कमेंट्स अक्सर आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा फ़ोन है जो आपको लगता है या कौन सा ऐसा ब्रांड है जो आप सजेस्ट कर सकते हैं जो यू नो ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में और कंसर्न्स में बहुत ही अच्छा है। ज़्यादातर ब्रांड्स ट्राई किए हैं, उसमें से एक ब्रांड जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, जिनके फ़ोन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो है हुआवे और ऑनर। तो जितने भी फ़ोन अभी तक हमने इसके ट्राई किए हैं, कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं हुआ कि जो परफेक्टली फेल हो गया, आई मीन या एक दो बार गिरते ही ब्रेक हो गया हो या डिस्प्ले काम करना बंद हो जाए, ऐसा नहीं हुआ है। तो इस साल की स्टार्टिंग में हमने एक फ़ोन ट्राई किया था, हुआवे Y9। तो वो पहला फ़ोन था ऑनर का जो ड्रॉप टेस्ट में फेल हुआ था, आई मीन फ़ोन वर्किंग था लेकिन उसका डिस्प्ले क्रैक हो गया था, अदरवाइज सब चीज़ फाइन थी। और रिसेंटली मैंने आपको हुआवे P30 Lite का 100 टाइम्स ड्रॉप टेस्ट दिखाया था और लगातार गिराते गिराते 82 बार गिराने के बाद 83 टाइम्स में उसका डिस्प्ले, मतलब फ़ोन ऑन था, कम्प्लीटली शटर हो गया था, मतलब आप काम नहीं कर सकते थे। आज हमारे सामने एक और हुआवे का लेटेस्ट फ़ोन है, हुआवे Y9 2019 है। काफ़ी कंफ्यूजिंग डिफरेंट नेम है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हुआवे Y9 प्राइम 2019 ऑनर हुआवे के इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखेगा कि नहीं रखेगा। सबसे पहले स्पेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं फ़ोन पे, देखते हैं कैसा कंस्ट्रक्शन दिया गया है इस फ़ोन में। काफ़ी अच्छी ग्लॉसी फिनिश है, शायद आपको ग्लास फील होगा लेकिन एक्चुअली ये पॉलीकार्बोनेट है। वाई सीरीज में ऐसा ही होता है हमेशा, बहुत आसानी से स्क्रैचेस फ़ोन में लग सकते हैं। FCC लेबल्स और जो डी ब्रांडिंग है वो आपके इस प्लास्टिक पैक के अंदर में है, लेकिन बैक पैनल काफ़ी थिक है, काफ़ी कट करने के बाद भी अंदर प्लास्टिक मटेरियल ही निकल रहा है, तो थोड़ा सॉलिड बॉडी दिख रही है बैक से। पिछले Y9 की तरह यहाँ पे भी आपको पॉलीकार्बोनेट और प्लास्टिक फ्रेम दिया गया है, ऑनर 8X जैसा नहीं जहाँ पे मेटल फ्रेम था। बटन्स बहुत ही आसानी से बाहर निकल आ रहे हैं, सेकेंड टाइम मैंने बस हल्का सा पुश किया है और बटन बाहर आ गया है। सिम का कंस्ट्रक्शन देखते हैं कैसा है, ये भी प्लास्टिक का ही, कोई मेटल यहाँ पे नहीं यूज़ किया गया है और थोड़ा सा फ्लम्जी टाइप का है, बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। और यहाँ पे एक रबराइज कोटिंग दी गई है, तो शायद सॉर्ट ऑफ आपका स्प्लैश प्रूफ कंपनी ने बनाया है लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। टॉप फ्रेम भी आपका पॉलीकार्बोनेट है, रियर कैमरे पर जो प्रोटेक्शन दी गई है वो आपकी प्लास्टिक का फ्रेम है। कि पॉपअप कैमरे को प्रेस करने पे कोई वार्निंग नहीं आ रही जैसे सभी पॉपअप कैमरे फोन में आती, यहाँ पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर का फीचर नहीं दिया गया है कि ये जो भी मेटल है काफ़ी सॉलिड है, स्टेनलेस स्टील नहीं है कि आसानी से स्क्रैच लग जाए, काफ़ी प्रेशर लगाने के बाद भी काफ़ी यू नो टाइट सा दिख रहा है। तो टॉप में बस आपका प्लास्टिक है, बाकी चारों तरफ जो है मतलब बैक साइड और राइट और लेफ्ट में ये आपका मेटल का दिया गया है। ऑनर जनरली गोरिल्ला ग्लास अपने फ़ोन में नहीं यूज़ करती, ये खुद के 10 ईयर प्रोप्राइटरी ग्लास यूज़ करती है। तो सेम नाइफ से बहुत से फ़ोन पर स्क्रैच किया लेकिन यहाँ पे एज सच कोई भी हेयर लाइन स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे हैं, तो डस्ट एंड छोटे मोटे पार्टिकल से आपके फ्रंट कैमरे में कोई स्क्रैच नहीं लगना चाहिए। फिंगरप्रिंट सेंसर अभी तो वर्क कर रहा है, चलिए थोड़ा सा स्क्रैच लगाते हैं, देखते हैं अनलॉक करता नहीं करता है। तो ये आपका मेटल का फिंगरप्रिंट सेंसर, उस पर हल्की सी पेंट की कोटिंग है, तो अनलॉक प्रॉपरली हो रहा है, नया फिंगर भी इजीली रिकग्नाइज हो रहा है एंड होपफुली ये अनलॉक भी करना चाहिए। एंड यस अनलॉक भी कर रहा है, बहुत फास्ट नहीं है, थोड़ा सा स्लो टाइप का है। LED फ्लैश प्लास्टिक फोन में ऐसे ही होते हैं, सेपरेट कटआउट होता है, तो ग्लास पे स्क्रैच करके देखते हैं क्या कोई स्क्रैच पड़ा है नहीं पड़ा है। तो जहां तक आप देख रहे होंगे कोई भी माइनर हेल एंड स्क्रैच नहीं है। ईयर पीस यहाँ पे मेटल कर दिया गया है,
डिस्प्ले पे टेस्ट करते हैं। मैंने इनकी साइट पे हुआवे की काफ़ी चेक करने की कोशिश की है, कहीं मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑनर ने खुद का ही ग्लास यूज़ किया होगा, जैसे मैंने मेंशन किया है पास्ट में सभी फ़ोन्स में ऑनर ने ऐसा यूज़ किया है। एंड सो फार मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनकी ग्लास की टेक्नोलॉजी, स्पेशली ड्रॉप और स्क्रैच में काफ़ी अच्छी होती है। तो जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मुझे नेकेड आई से कोई भी माइनर हेयर लाइन स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है। तो डे टू डे ऑब्जेक्ट जो भी आप रखेंगे बैग में, कीज, कॉइंस या कोई भी शार्प चीज़, तो ग्लास पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा। तो ड्रॉप टेस्ट में वेरीफाई करते हैं क्या ये शैटर होता नहीं होता है। ओके गाइस, अब चलिए वाटर टेस्ट परफॉर्म करते हैं Y9 2019 प्राइम पे, जो भी नाम है। तो ये ऑफिशियली वाटरप्रूफ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कैजुअल टेस्ट करते हैं एक मिनट से दो मिनट के बीच में। ओके 3, 2, 1। नब्बे सेकेंड हो गया है, फ़ोन को मैं बाहर निकालता हूँ और क्लीन करता हूँ, फिर हम सभी चीज़ वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन वर्किंग है कि नहीं है। पावर बटन वर्किंग है और वॉल्यूम बटन भी वर्क कर रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर वर्किंग है दोनों साइड के। पॉपअप कैमरा में क्या कोई पानी गया है अंदर? तो यहाँ पर हल्का सा पानी है, इसका मतलब ये है कि पानी फ़ोन में जा सकता है, शायद कोई प्रोटेक्शन अंदर लगाई गई होगी। तो हेडफोन जैक का स्लॉट भी वर्क कर रहा है, स्पीकर्स देखिए, कैमरा अभी भी अंदर बाहर जा रहा है, लाइट भी प्रॉपर्ली चल रही है। आई गेस पॉपअप कैमरा 20 kg वेट था, तो ये भी वर्किंग है। और चार्जिंग पोर्ट भी चेक कर लेते हैं इन केस कोई इशू आ गई हो। तो बैटरी चार्जिंग मोड में है जैसे दिखा रहा है चार्जिंग, यानी कि बैटरी, ये चार्जिंग पोर्ट भी वर्क कर रहा है। तो पहले हम बेंट टेस्ट स्टार्ट करते हैं, 3, 2, 1। हल्का सा कुछ क्रैक की आवाज़ तो आई है, बट एज सच यहाँ पे कुछ विजिबल नहीं हो रहा है कि कोई मेजर सा ब्रेक हुआ है, बट मे बी इंटरनल कुछ शायद डैमेज हुआ है। हल्का सा फ़ोन में फ्लेक्स भी था, लेकिन अभी भी फ़ोन आपका वर्किंग कंडीशन में है। ओके, बैक साइड से बेंड करते हैं, देखते हैं क्या स्क्रीन बाहर आती नहीं आती या कुछ और डेंट में डैमेज होता नहीं होता है। 3, 2, 1। थोड़ा सा माइनर फ्लेक्स है, वो भी एक्सेप्टेबल है, तो फ़ोन अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, कोई एज सच मेजर डैमेज नज़र नहीं आ रहा है फ़ोन में, सभी चीज़ें फ़िलहाल वर्किंग है। तो अब डिस्टॉर्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फ़ोन को हम ऐसे ट्विस्ट करते हैं, सेम तरह का फोर्स हमने वीवो Z9 पर अप्लाई किया था और वो फ़ोन फेल हो गया था, डिस्प्ले उसका डेड हो गया था, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ओके, तो अभी तक तो जितना भी मैंने प्रेशर सभी फ़ोन पे लगाया है, सेम प्रेशर यहाँ पे भी लगाया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। ऑलराइट गाइस, अब दो टेस्ट और बाकी हैं, इस फ़ोन का पॉपअप कैमरे की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और उसके बाद ड्रॉप टेस्ट। तो अगर आप Huawei की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी ने ये मेंशन किया है कि आप 15 किलो तक का वेट उठा सकते हैं, आई मीन वेट नहीं, 15 किलो तक का स्ट्रेस टेस्ट किया गया, उसके बाद आपका फ़ोन मतलब सेल्फी कैमरा प्रॉपर्ली वर्क करता रहेगा। तो हम यूजुअली 20 किलो उठाते हैं, तो आज भी 20 किलो ही ट्राई करके देखेंगे और उसके बाद हम ड्रॉप टेस्ट करते हैं। तो अब मैं इसमें वेट उठाता हूँ, सबसे पहले मैं 5 किलो उठाऊँगा इसमें, फिर हम वेट बढ़ाते जाएंगे ऐसे 5, 10, 15, 20। तो ये अब हो गया है 5 kgs, एंड मुझे लग रहा है आज ये कैमरा फेल हो जाएगा क्योंकि कंपनी ने 15 किलो ही टेस्ट किया है। ओके, तो मैं इसको, और ये साइड में भी है, फिर भी चलिए देखते हैं उठता है नहीं उठता है। तो 5 kgs तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली उठा लेंगे और उसके बाद भी कैमरा आपका प्रॉपर रहेगा, अंदर बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 10 kgs करता हूँ इसमें, तो अब ये हो गया है 10 kgs। चलिए 10 kg उठाते हैं इस फ़ोन से।
प्रॉपरली वर्किंग है। ऐसा तो कुछ दिखा नहीं है कि कैमरा इसका अंदर चला गया है और बाहर भी प्रॉपरली आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तब मैं 15 किलो वेट करता हूँ। एक्चुअली ये टेस्ट मैं बहुत जल्दी में फिल्म कर रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है अभी 3 घंटे बाद, तो समहाउ बस कंप्लीट करना चाह रहा हूँ क्योंकि 4 दिन तक मैं काम नहीं कर पाऊँगा। ओके 15 किलो, जैसे डोल रहा है उधर। ओके तो कंपनी ने 15 किलो टेस्ट किया है और अभी भी पॉपअप कैमरा अंदर बाहर जा रहा है प्रॉपर्ली। अब लास्टली मैं 20 kg उठाता हूँ, उस पर देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस, ये रहा 20 किलो। तो ऑफिशियली कंपनी ने 15 किलो तक का स्ट्रेस टेस्ट किया है, देखते हैं क्या पता काम कर जाए। ओके और तो 20 किलो भी ओके चेक करते हैं। जस्ट नाउ सेल्फी ली है और सेल्फी भी प्रॉपरली हो रही है। ओके इसको मैं अब मैं साइड कर देता हूँ। अब चलिए ड्रॉप टेस्ट करते हैं इस फ़ोन का पॉपअप कैमरा बाहर निकाल के डिफरेंट हाइट से। सबसे पहले वेस्ट हाइट से और पॉपअप कैमरा बाहर निकला हुआ है, देखते हैं डैमेज होता नहीं होता है। 3, 2, 1 Your phone may have been dropped to prevent damage. The camera was automatically retracted. Continue. तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, मैन्युअली पुश करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। Alright. Bottom side से try करते हैं। 3, 2, 1 Camera अंदर चला जा रहा है अपने आप motion detect करते ही। एक और side impact से try करते हैं। अक्सर होता है कि फोन साइड से गिर जाता है। कॉर्नर इंपैक्ट में भी कुछ नहीं है। ओके रियर साइड 3, 2, 1 कैमरा ग्लास ओके, डिस्प्ले भी अभी तक ठीक है। अब ये है सिचुएशन जहां टूट सकता है क्योंकि डिस्प्ले काफी बड़ा है, लेकिन ऑनर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक रहा है, तो चलिए देखते हैं। ओके 3, 2, 1 मैन ओके, तो डिस्प्ले वन शॉट में इसका ख़त्म हो गया है और टच भी नहीं काम कर रहा है। जैसे आपने देखा डिस्प्ले कम्प्लीटली जा चुका है, तो ये सरप्राइजिंग है। ये Huawei का पहला फ़ोन है जो इतनी जल्दी ब्रेक हुआ है। जनरली सारे फ़ोन 6 फिट से होते हैं, बट सैड है अभी भी डिस्प्ले तो डेड है। और आगे चलते हैं, कम्प्लीटली इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब तो कुछ बचा नहीं वैसे भी तोड़ने के लिए इसमें। ओके सो 3, 2, 1 तो डिस्प्ले और क्रैक हो रहा है। तो इसका रीज़न गाइस ब्रेक होने का ये है कि डिस्प्ले काफ़ी बड़ा है, 6.5 लगभग इंच का डिस्प्ले जो होता है, तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है स्क्रीन का, तो इम्पैक्ट लगते ही वो ब्रेक हो जाते हैं और फ़ोन थोड़ा हैवी हो जाता है। 195 ग्राम का फ़ोन जनरली ब्रेक हो जाता है। तो कैमरा लेंस हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके शूट कुछ नहीं है, बट डिस्प्ले तो ऑलरेडी ब्रोकन है, इसको तो हम चेक नहीं कर पाएंगे, कोई सेंस नहीं गाइस। तो यहीं कंक्लूड करते हैं इस टेस्ट को। तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हूँ मैं, डिसअपॉइंटमेंट रहा इस बार इस फ़ोन के ड्रॉप टेस्ट से। तो डेफिनेटली कोई अच्छा केस यूज़ करेगा, जो केस बॉक्स में मिल रहा है वो बहुत ही बेकार क्वालिटी का, उसको मत यूज़ करिएगा। कोई टेम्परेड ग्लास अच्छे केस लगाइएगा। सो गाइस ये था Huawei Y9 Prime 2019 फेल्ड इन ड्रॉप टेस्ट। थैंक यू।